हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज है 23 नवंबर और अभी हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं अभी। और वैसे आप लोगों ने मेरा छठ का व्लॉग देख ही लिया होगा। पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपका वीडियो। और थोड़ा सा लेट हो गया था छठ का वीडियो डालते डालते, क्योंकि बहुत छठ ये सब आया था तो शायद थोड़ी थकावट सी हो गई थी और फिर मन भी नहीं कर रहा था एडिट करने का, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था। फिर डाल ही दिया जैसे तैसे करके। और अभी खाना वाना सबका हो चुका है, 1:30 बज रहे तो सबका ऑब्वियसली खाना वाना हो चुका होगा। और बाबू अभी खेल रहा है, उसकी खिचड़ी बनाने की रेडी तैयारी होने वाली है, तो साथ ही साथ आपको मैं वो सब शेयर करूँगी, हल्का फुल्का उसके लिए जो बनाना है। तो गाइस, घर का भी पूरा काम हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री हो चुकी थी तो सोची कि थोड़ी व्लॉगिंग ही स्टार्ट कर दूँ अभी से। और ये शायद ये वीडियो में भी आपको कल तक मिलेगा एडिट करने के बाद, कल तक हाँ चला जाएगा। और गाइस, इंस्टाग्राम पे जिसने भी मुझे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ जाकर के फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको सामने मेंशन कर रही हूँ और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ जाकर के जिसे भी फॉलो करना होगा कर लेना। ओके इधर आओ, अंदर आओ, तो अंदर आओ गोनू, इधर आओ। बाबू इतना बड़ा है, बाबू इतना बड़ा है, बाबू इतना बड़ा है। आप नहीं कर सकते, मैं करूं। खेलो खेलो। चलो चलो डांस करके दिखाओ तो कैसे करते हैं बमची की, कैसे करते हैं? अच्छा कैसे करते बताओ तो। तो गाइज, आप लोगों ने देख ही लिया, बाबू बड़े मन से खेल रहा था वहाँ पे। और मैंने आप लोगों को बताई थी बाबू के लिए खिचड़ी बनानी है, तो इंस्टेंट खिचड़ी कैसे बनती है आपको मैं यहाँ पे रेसिपी में सारी बता दूंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बच्चे भी बहुत प्यार से और मन से खाते हैं इसे। तो गाइज़, यहाँ पर मैं सारे मसाले वसाले तैयार करके रख ले रही हूँ और उसी की तैयारी हो रही थी। बाबू थोड़ा परेशान करने लग गया इसलिए मैं वहाँ से हट गई और मम्मी ही उसको बनाई, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, खाने पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो होप आप, अगर आप लोगों को पसंद आती है ये, तो आप अपने बच्चों के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं घर पे कभी और बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे इंस्टेंट खिचड़ी की रेसिपी स्टार्ट कर दी गई है। सबसे पहले मम्मी ने ऑयल डाला, उसके बाद जीरा डाला और लहसुन डाला और आप देख ही सकते हैं कड़ी पत्ते का आप छौंक भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, उसका स्वाद बहुत निखर के आता है इसमें। और उसके बाद मम्मी ने चावल और दाल को अच्छे से वॉश कर लिया एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है, आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं इसे। बस इतने ही मसाले इसमें डले थे, उसके बाद मम्मी ने नमक, हल्दी, टमाटर, बाबू के लिए बन रहा था इसलिए ज़्यादा मिर्ची विर्ची इसमें नहीं ऐड की थी, लाइट था, आप देख सकते हैं। उसके बाद मम्मी ने पानी वानी सब डाल दिया था, नमक हल्दी ये सब मिक्स कर दिया है, टमाटर भी इसी में कट कर लेगी एंड उसके बाद दाल चावल जो भी हम लोगों ने मिक्स करके रखा था वो मम्मी इसके अंदर डाल देगी और गर्म गर्म मसाला थोड़ा सा इसमें ऐड कर देगी टेस्ट के लिए। उसके बाद इसको बंद करके सीटी लगा देगी, एक सीटी पे ये एकदम अच्छा अच्छा खिचड़ी तैयार हो गया था।
इधर आओ, इधर आओ पहले, ये लो गनु, चलो चलो ये वाला पहन लो। सैंडल में मेरे को पकड़ो, पकड़ लो मुझे, नहीं तो गिर जाओगे। कहाँ जा रहे हो गनु? बाहर जा रहे हो? घूमी घूमी घूर घूर बोलो घूर, हाँ घूर घूर, हाँ घूर, घूमी करने जा रहे हो। बाय। अब किसी कौन देगा? यहाँ देख पहले। कर लो गन्नो, पैंट खोलो, पैंट खोल लो, खोल। हाँ बेटा, हाँ हाँ कर लो, यहाँ आके करो कोने में, और आ गया, आ गया, हाँ आ गया। वैसे मत करो गन्नो, यहाँ पे गन्नू मेरी जिंदगी निकालने की ट्रेनिंग ले रहा था। ट्रेनिंग क्या ले रहा था यार, वो तो उसे निकालना ही था, कैसे भी करके मैं नहीं निकलवाना चाह रही थी, पर उसे निकालना ही था। और वही थोड़ा सा फनी मोमेंट वहाँ पे हो रहा था, और कुछ नहीं। वहाँ से हाय गन्नू, हाय, किसी ले लो मामा, किसी ले लो, 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 मत हम किसी ले लो, मत हम किसी बेटा, चोट लग गया गन्नू, हाँ यहाँ पर भी चोट लग गया, यहाँ पर भी चोट लग गया, यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर
देख नानी तरफ देख। हाय हाय एक 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 ए